चौमू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। काला डेरा के टांकराड़ा इलाके में मर्डर का मामला सामने आया है। पत्थर से कुचलकर विक्रम की कल हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी महेंद्र सैनी को इस दौरान हिरासत में लिया है और आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। कल शाम शराब के ठेके पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर एक युवक को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया था। काला डेरा टांकरोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपी महेंद्र सैनी को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। बड़ी खबर इस वक्त की चौमू से, जहां पर कल हुई वारदात में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम महेंद्र सैनी बताया जा रहा है और आरोपी से लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है। कल रात शराब के ठेके पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। कालाडेरा के टांकरड़ा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि कल शराब के ठेके पर पत्थर से कुचलकर विक्रम की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के आरोपी महेंद्र सैनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ में जुटी है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता डीके कुमावत। कुमावत जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर जो कल शराब के ठेके पर हत्या हुई थी, ऐसे में क्या कुछ अपडेट अब सामने आ रहा है? जी हिमाद्री, बताना चाहूंगा, कालेडेरा थाना इलाके में टांकरड़ा एक शराब के ठेके पर दो युवकों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना गंभीर हो गया कि एक के व्यक्ति के सर पर चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति फरार हो गया, लिया गया है, उसका नाम महेंद्र सैनी बताया जा रहा है। जी देखिए, अभी तो पुलिस की हिरासत में महेंद्र सैनी को ले लिया गया, वही दूसरे आरोपी जो फरार है उसकी तलाश के लिए क्या कुछ प्रयास अब पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं? उसकी तलाश की जा रही है, पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि चौमू में कल रात शराब के ठेके पर एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपी महेंद्र सैनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।